नमस्कार दोस्तों, हमजा मैकेनिक कानपुर से। हम आज बताएंगे दोस्तों कि जब बाइक में कभी कभी क्या होता है कि झटका बहुत लेती है, मिसिंग करती है, स्लो चलाने में बहुत दिक्कत होती है। और जब मिसिंग करती है तो उसको हम सेट भी चाहे जितना पेट्रोल बढ़ा दें, चाहे जितना सेटिंग करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी वो मिसिंग करती है। तो दोस्तों हम पहले आपको बताते हैं ये किस तरीके से मिसिंग कर रही बाइक। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप एक महीने डेढ़ महीने के लिए गाड़ी खड़ी कर दो फिर चलाओ, तो फिर वो आपको एक्सीलेटर बार बार ऐसे ऐसे गर्म करना पड़ता है, फिर स्लो चलने में बहुत दिक्कत होती है, तेज़ चलो तो बढ़िया चलती है। तो इसको, इस प्रॉब्लम को किस तरीके सही किया जाता है दोस्तों, और ये जैसे पैशन प्रो है, साइन है, इन बाइक में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम कभी कभी तो सबसे ज़्यादा साइन में होती है प्रॉब्लम, कि वो दम तोड़ती हुई बिल्कुल मिस फायरिंग या हल्का हल्का मिसिंग टाइप से जैसे करती हो, जैसे पेट्रोल ना मिल रहा हो या झटके लेती हुई मिसिंग करती है। तो इसको यानी इसको किस तरीके से सही किया जाए, पहले दोस्तों देखो हम बताते हैं कि किस तरीके ये प्रॉब्लम कर रही है, फिर दोस्तों हम बताते हैं किस तरीके सही करें। अब देखो दोस्तों, हम इसको स्लो स्लो चलाते हैं, तो आप स्लो स्लो चला रहे हैं लेकिन ये इसकी जो चाल है वो दम टूटती हुई चल रही है दोस्तों। ये चाल जो है वो दम टूटती हुई चल रही है, यानी ऐसा नहीं चल रहा कि वो बिल्कुल पिकअप ले रही है, बिल्कुल स्लो स्लो, यानी कभी कभी क्या होता है बार बार हमको ऐसे ऐसे एक्सीलेटर लेना पड़ता है, तो ये दम टूटती हुई। और हम थोड़ा तेज़ चलाएंगे तो बढ़िया चलेगी, बाकी दोस्तों ये बिल्कुल ये मिसिंग टाइप से कर रही है, जैसे मिस करती हो, पेट्रोल ना मिलता हो इस तरीके से। और इसका पेट्रोल हमने मिक्सर से भी कोशिश किया है, लेकिन अब देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा मिसिंग करते हुए झटका लेते हुए चल रही है। तो इस प्रॉब्लम को दोस्तों हम किस तरीके से सही करते हैं हम बता दोस्तों। ये देखिए स्लाइड को हम निकालते हैं धीरे से, इसको इस तरीके से निकालते हैं, थोड़ा मुश्किल से निकलते लेकिन फिर भी इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे कि निकल जाइए। देखिए दोस्तों हम स्लाइड को निकाल लिया, अब देखिए इस स्लाइड को किस तरीके से बाहर निकालते हैं, ओपन करते हैं। देखिए इस तार को ऐसे किया और ऐसे, अब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत सिर्फ इसकी है। तो दोस्तों देखिए इसके लिए हमारे पास एक पेचकस ये वाला है, और इस पेचकस को हम ऐसे लगाते हैं और धीरे से कोशिश करें ये निकल जाए, थोड़ा मुश्किल से निकलता है ये, लेकिन देखिए ये ऐसे ऐसे हमने पेचकस से निकाला। अब दोस्तों इस तरीके से निकाल दिया हमने, और इसमें देखिए कोई स्लाइड में खांचा नहीं बना कि हम उसको ऊपर नीचे कर सकें। अदर गाड़ी में कुछ जो ओल्ड मॉडल पुराने समय की गाड़ी थी उसमें होता था कि 5 खांचे बने होते थे और उसके अनुसार हमको ऊपर नीचे हम कर पाते थे। अब दोस्तों इसमें नहीं है, तो हमें किस तरीके से सही करना है हम बता। अब दोस्तों देखिए स्लाइड है, स्लाइड में हमें क्या करना है, इस जगह पर हमें कुछ इस तरीके से लगाना है, और हमें हमारे पास ये है जैसे एक्सरा होता है, एक्सरा जो ख़राब एक्सरे होते हैं उस एक्सरा के तरीके ये भी होता है, ये भी एक्सरे के तरीके ये भी होता है। और इससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इससे ले लेते हैं इस तरीके से, देखिए ये रिंग का पार्ट्स का है, हाँ इसमें देखिए रिंग है और रिंग का ये वो पैकेट, यानी ये पैकिंग है। अब इसको दोस्तों हमें किस तरीके बनाना है इसके ऊपर हमें बताते हैं। अब दोस्तों इसको देखिए हम चार परत मोड़ेंगे, इसको मोड़ दिया इस तरीके से, और मोड़ करके इसको हम क्या किया कि ये ऐसे काट दिया। अब दोस्तों इसको काट दिया, अब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे, ऐसे डाल दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसी कैंची से इसके सारे क्या करेंगे, ये इसके हिसाब से यानी इसको गोल कर देंगे। तो दोस्तों इसके अनुसार ये दोस्तों, अब इसको हम देखिए बिल्कुल, और हमने इसको अगर गेज के अनुसार नापा था तो ये लगभग में यानी 0.04 पॉइंट यानी से 5.6 पॉइंट तक ये रहा,
यानी 0.05 पॉइंट से 6 पॉइंट तक ये रहेगा। तो इस तरीके से इतना यानी ये पतला इसमें डालिए। अगर ज़्यादा दोस्तों मोटा डालेंगे तो इसका एवरेज भी कम हो जाएगा। और दोस्तों ये कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जैसे हम ओवरसाइज पिस्टन बोर कराते तब होता है तो उसको पेट्रोल कम मिलता है। तो हम अगर मिक्सर से सेट करना चाहें तब भी वो सेट नहीं होता, फिर वो स्लो चलाने में हमको मिसिंग या झटके या जैसे लगता है पेट्रोल नहीं मिलता या पेट्रोल ख़त्म हो रहा, इस तरीके महसूस होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसको हमें किस तरीके सही करना है बताते हैं। दोस्तों अब देखिए, हम इसको ज़्यादा मोटा नहीं लगाएंगे, पतला सा लगाया है और इस पतले से लगाने में इसमें आसानी से ये मिसफायरिंग नहीं करेगा और सही से चलेगा। दोस्तों हम आपको जो भी बात बताते हैं उसके पहले हम कई गाड़ियों में उसको ट्राई कर चुके होते हैं, समझ लेते हैं तभी बताते हैं दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि हम जो आपको बताएं वो बेहतर बात बताएं। अब दोस्तों इसको इसी तरीके से फिर से डाल देते हैं, इस तरीके ऐसे डालते हैं। फिर देखिए ये पेचकस हमारे पास ये इस तरीके से, और हम इसको प्रयास करेंगे धीरे से कैसे लग जाए। देखिए दोस्तों अब ये धीरे से हमें लगाना है। दोस्तों ये मुश्किल से थोड़ा लगता है, मुश्किल से निकलता है क्योंकि ये लॉक होता है और हमने इसको फंसा दिया है। अब पेचकस से हम इसको प्रेस करेंगे धीरे से वो उधर जाए। देखो बैठ गया, ठीक है दोस्तों। अब ये ऐसे सेट हो गया, अब देखें ये इस तरीके से देखें, अब ये बिल्कुल पूरी तरह से बैठ गया, ठीक है दोस्तों, इस खांचे में सेट हो गया। अब दोस्तों देखिए इसको फिर स्प्रिंग को इस तरीके से हमने किया ऐसे, हमने इसको ऐसे पकड़ लिया और ये इस होल से इस तरीके से कर दिया। दोस्तों ये साइन गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम लोगों को, कुछ लोग चला लेते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, पर कुछ लोग कहते हैं भैया ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए क्योंकि हम सिलो चलाते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करती है। तो उनको सही करने के लिए देखिए हम यही ऑप्शन अपनाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए इसमें दो खाँचे बने होते हैं, जो बड़ा खाँचा होगा ये वाला, ये इधर यानी सेट करने वाला, और पतला खाँचा उधर साइड को। दोस्तों इस तरीके से ये थोड़ा मुश्किल से लगता है, मुश्किल से निकलता है, लेकिन थोड़ी भी दोस्तों इसको हम धीरे से कर लेते हैं। और विशेष ज़्यादा दिक्कत है तो ये टूल बॉक्स 3 पेज पे लगा होता है, इसको आराम से 4 पेज, एक ये पेज खोल लें और 2 पेज उस साइड वहाँ पर ऊपर होते हैं और 1 पेज यहाँ पर होता है। तो इस तरीके दोस्तों इसको खोल करके भी आप आराम से बिल्कुल आसानी से भी लगा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये जो प्रॉब्लम कर रही थी उसको किस तरीके सही कराया आपको, अब इसको हम चला के खाते हैं। दोस्तों देखिए हमने स्टार्ट किया, अब चलाते दोस्तों, अब हमें ये एक्सीलेटर से महसूस हो रहा है कि अब ये झटका नहीं दे रही, क्योंकि दोस्तों जैसे हम चला रहे थे तो वो झटका ले रहे थे। अब इस तरह देखो हल्का एक्सीलेटर लिया, हल्के में ही ये बढ़िया चले, अब इसका दम नहीं टूट रहा दोस्तों, इसका जो दम टूटता था मिसिंग करती थी अब वो नहीं, अब वो हल्के एक्सीलेटर में ज़्यादा पिकअप ले रही। इस तरीके से उसको पेट्रोल पर्याप्त मिलने लगा। और इस तरीके से दोस्तों अगर इसके अलावा भी अगर आपका एवरेज कम होता है तो मिक्सर से हम सेट कर सकते हैं दोस्तों, और मिक्सर से सेट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं करेगा और मिसिंग भी नहीं करेगा और वो एवरेज भी सही आएगा दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों जो भी मेरे पास सोल्यूशन था, बेहतर सोल्यूशन, वो हमने आपको दिया। नमस्कार दोस्तों।